इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 22 मार्च 2020, शायद तुम्हें इस दिन की अहमियत का पता ना चला हो, यह वो दिन है जब मुल्क के बादशाह का कहना हुक्म में तब्दील होने का दिन था। हाँ, यह 22 मार्च का दिन था जिसे जनता कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन पिछले साल पूरा देश बादशाह के हुक्म पर अमल करते हुए बर्तन बजाए थे, जिसमें हम और आप सभी शरीक थे और इस बर्तन बजाने को हमने फख्र समझ लिया था। दरअसल यह गुलामी में जाने का दिन था, पर बादशाह ने इसे तुम पर थोपा नहीं था बल्कि तुमने अपने आप पर थोपा था, इसलिए इसे जनता कर्फ्यू कहा जाता है। इसकी एक और वजह यह थी कि बादशाह किसी तरह का इल्जाम अपने सर लेना नहीं चाहता था, क्योंकि यह जनता कर्फ्यू था। अगर कोरोना बढ़ता है तो इसके लिए आवाम ही जिम्मेदार होगी, और यकीनन देश की आवाम ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए घर से कदम ही नहीं रखा, और इस मुहिम ने 130 करोड़ आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आवाम ने इस कर्फ्यू को अपने आप पर थोप लिया और नए लफ्ज की इजाद हुई, जनता कर्फ्यू। अगर आवाम इस पर अमल ना भी करती तो कुछ फर्क ना पड़ता, क्योंकि इसमें छूट दी गई थी कि आवाम आजाद थी। अगरचे के वो अमल ना भी करती, इस दिन को जश्न की तरह मनाया गया। आवाम को खुद ही नज्म जब्त मुसल्लत करना पड़ा। मान लो अगर आवाम के किसी हिस्से ने ना भी अमल किया होता तो वज़ीरे आज़म की साख को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वज़ीरे आज़म के हुक्म पर जिस तरह अमल किया, इस मुहिम को कामयाब बनाया गया। मान लो कि तुम्हारे एहसास, तुम्हारे होश आवाज को अगवा किया गया था, और यही 22 मार्च को हुआ। इसी दिन को इसलिए भी याद करना चाहिए कि किसी एक शख्स के हुक्म के सामने अपने सरों को तस्लीम खम किया गया। अब आवाम भीड़ में तब्दील हो चुकी है, जिसने जहनी तौर पर अपने आप को हर तोहमत अपने सर लेने का फैसला कर लिया था कि कोरोना फैलने के लिए हुकूमत का कोई किरदार नहीं, क्योंकि जनता ही इसके असल जिम्मेदार है। अगर घर से बाहर निकलेगी तो वह खुद जिम्मेदार होगी। जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाना यही पैगाम देता है। जनता कर्फ्यू के जरिए मुल्क में बुनियादी हुकूक को पैरों तले रौंद दिया गया, और दो कानून आवाम को काबू में लाने के लिए लाए गए। एक कानून आलमी वबा का कानून और दूसरा राष्ट्रीय आपदा का कानून। इन दो कानूनों में आने के बाद आवाम की हैसियत की गई थी, जिससे इसके ख्वाहिश के खिलाफ हुक्मरानी की जा सकती। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू ने 25 मार्च के लॉकडाउन के संग बुनियाद की हैसियत से काम किया। इस तनाजुर में 22 मार्च को आवाम को आने वाली दिनों की मुश्किलात को जहनी तौर पर तैयार किया गया था, इसको फरोग बढ़ावा दिया गया ताकि इज्तमाईयत की ताकत के खौफनाक दिनों तक मुस्तकबिल की वर्चुअल सिक्योरिटी आवाम के साथ रहे के हम साथ साथ है, सब मिलकर हमें लड़ना है, क्योंकि यह आलमी वबा है। आवाम को भरोसे में लिया गया। अगर ऐसा ना होता तो आवाम बगावत करती, पर आवाम ने ऐसा होने ही नहीं दिया। उल्टा जिन्होंने जनता कर्फ्यू के खिलाफ जाने वालों को देश विरोधी करार देने के बाद कही गई, मुल्क का नाफरमान बताया जाने लगा। इसलिए जनता कर्फ्यू वो दिन है जिसे बादशाह के ऐलान को हुक्म में तब्दील किया गया। अगर आप हुकूमत के उठाए गए इस इकदाम की फहरिस्त पर गौर करेंगे तो एहसास होगा कि कोरोना आलमी वबा के बहाने अपने ही ख्वाहिशात को पूरा करने के मंसूबे ज्यादा नजर आते हैं। अब कोरोना कितना खतरनाक है हम सबसे ज्यादा हुकूमत जानती है। आवाम के एहसास, इनके होश हवास को अगवा करने का दिन अगर जनता कर्फ्यू को मान लिया जाए तो अलग ना होगा। जिस तरह टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन किया गया, और फिर उन बेबस मजदूरों को हम कैसे भूल सकते हैं जिसकी दुनिया भर में चर्चा तस्करा हुआ। पहले 25 मार्च को 4 घंटे, फिर 21 दिन, फिर 19 दिन, कितने मजदूर भूख प्यास से मरे, कितने महज सड़कों पर चलते चलते। इसके बावजूद भी वज़ीरे आज़म ने लाखों की जान बचाने का दावा किया। खैर, जनता कर्फ्यू के बाद लोग सड़कों पर आकर ताली थाली पीटने लगे। प्रधानमंत्री ने तो कोरोना वॉरियर्स की हिम्मत अफजाई के लिए ताली थाली पीटना, रोशनी लगाना वगैरह कहा, पर दूसरी तरफ इनका IT सेल जो शंखनाद से या ताली थाली पीटने से कैसे कोरोना की मौत होती है ये भी बताए। इसे भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता है बताइए, इसकी दलील कह सकते हैं। इन तमाम बातों से इतना जरूर कह सकते हैं कि 22 मार्च के जनता कर्फ्यू ने देश की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया, और साथ में अवाम की सोचो फिक्र को भी तब्दील कर दिया। भारत में जो मशहूर हरबा रहा है, हिंदू मुस्लिम की भी तस्वीर नजर आई। तबलीग जमात को जिम्मेदार ठहराना इसी का एक हिस्सा कहा जा सकता है। वैसे तो आज भी नमस्ते ट्रंप को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता। सबसे पहले कोरोना आया कहां से। खैर, एक बार फिर जनता कर्फ्यू के एक साल पर
जहनों को गुलाम बनाने का दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।